Yo, what's up guys, welcome back to a new video. तो आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं फेक पिक्सल स्काई ब्लॉक। तो आज के इस वीडियो में हम ग्राइंड करेंगे टेप 4 एंडरमैन्स को और हम टेप एंडरमैन्स लेवल 6 रीच करेंगे और उसी के साथ हम एटम शील्ड चटाना बनाएंगे और उसमें वन फायर लगा के उसका डैमेज भी चेक करेंगे। और हाँ गाइज, आपको मैं याद दिला दूँ, हमारा इस मंथ का सब्सक्राइबर गोल है 700 सब्सक्राइबर्स यानी का यूट्यूब रैंक। तो गाइज प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ताकि हम वो अपने गोल तक पहुँच जाएँ। तो मैं सारे स्लेयर्स को दिखाऊंगा नहीं, मैं आपको 2-3 स्लेयर्स दिखाऊंगा और उसके साथ साथ आपको मैं सारे आरएनजी ड्रॉप जो मुझे मिलेंगे वो सब आपको मैं दिखा दूंगा एक ही साथ। तो चलिए अब बिना किसी देर के हम वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस अब आपको ड्रॉप दिखा देता हूँ, मुझे मिला है ट्रांसमिशन ट्यूनर एक और एक माइनस स्टील, दोनों एक ही बॉस के साथ मिल चुके हैं। तो गाइस हमें मिल चुका है एंटर आर्टिफैक्ट अपग्रेडर, ये बहुत ही ज़्यादा रेयर है, मुझे पता नहीं, मैंने 2-3 बॉस की और तीनों में मुझे एक साथ ही आरएनजी मिल गए। पहले मेरे साथ कभी नहीं हुआ, मेरा लक बहुत ख़राब है, लेकिन अभी एक साथ मेरे 4 बॉसों में सामान मिल गए। गाइस अब हमें मिला है माइनस स्टील, ट्रांसमिशन ट्यूनर और नल आइटम, तीनों एक ही बॉस से। तो गाइस हमारा फाइनल टियर 6 एंडरमैन हो चुका है, उसके साथ मुझे यही चीज़ें मिल रही हैं बार बार, माइनस सील की बुक्स मिल रही हैं और ट्रांसमिशन ट्यूनर मुझे 2-3 मिल रही हैं। तो चलिए गाइस अब हम इसको क्लेम कर लेते हैं। तो हमें मिला है 3 इंटेलिजेंस, एस्पेक्ट ऑफ वॉइड रेसिपी, आइटम स्प्लिट कराना रेसिपी और एक वॉन्ड और एक साइज अनलॉक हुई है। तो ये मुझे एक वॉन्ड चाहिए थी लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ये क्या करती है, जैसे हम लेफ्ट क्लिक करते हैं तो आसपास के सारे मूव्स को ये खींच के एक जगह इकट्ठा करती है, जिसे घोस्ट कैंडी में बहुत काम आएगी क्योंकि हम आराम से कर सकते हैं। तो एक नेक्स्ट है एक्सपेक्ट ऑफ द वॉइड रेसिपी, लेकिन इन्होंने ऐड नहीं की, इन्होंने सिर्फ जो इधर वो आपके बाद होती है ना वही ऐड की है मल्टर के साथ, लेकिन नॉर्मल AOTB की रेसिपी ऐड नहीं की। नेक्स्ट हमारे पास आइटम स्प्लिट कटाना है, ये तो ये रही वर्पल कटाना और 2 नल ब्लेड चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास ये वॉन्ड है, ये तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, आप देख ही सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये है सिन सीकर साइट, वैसे इसकी रेसिपी काम की नहीं है। तो गाइस अभी मैंने है ना अपनी वर्पल कटाना कन्वर्ट कर दिया था आइटम स्प्लिट कटाना में, अब मैं उसके लिए ऑफर बाय कर रहा हूँ। तो ये बंदा माना है 100 लीटर की बुक में और उसके साथ 50 मिलियन में, तो जल्दी से हम 50 मिलियन को इस निकाल देते हैं और मेरी 100 लीटर की बुक अंदर रखी हुई है चेस्ट में, उसको भी हम ले आते हैं।
ये रही जो मुझे दो दिन पहले मिली थी उसमें एक्सपेरिमेंटेशन टेबल में। तो अपन जल्दी से ऑफर का बाई कर लेते हैं। ये बंदा मान नहीं रहा था 70-80 मिलियन का था, मैंने उसको बड़ी मुश्किल से मनाया। तो गाइस हमें मिल चुकी है वन फॉर ऑल, अब हम जल्दी से इसको अपने उसमें अप्लाई करेंगे। तो अगर अब मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे वन फॉर ऑल बाय करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, कि मेरा लक बहुत ज़्यादा ख़राब है आपको पता ही होगा। आपको मैं 2 दिन पहले की बात बताता हूँ। तो गाइस 2 दिन पहले ये मेरे एक्सपेरिमेंटेशन टेबल में वन फॉर ऑल आई थी और मुझे पता भी चल गया था कि कौन से स्लॉट में, सिर्फ 4 मूव बचे थे, एक तो इसमें थे और दूसरा मैंने यहाँ पर गड़बड़ कर दी, मुझे वो याद नहीं आया था दोनों में से किस में है। तो मेरा एक मूव इसमें ज़ाया हो गया, एक्चुअली 2 मूव ज़ाया हो गए। उसके बाद जब मुझे पता चल गया इसमें और मैंने क्लेम कर लिया तो मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ, क्योंकि वन फॉर ऑल डबल डबल आ गई थी मेरी, इतने दिनों बाद मेरी वन फॉर ऑल मिली थी और वो भी डबल आ गई, इसी वजह से मैं ले नहीं पाया। अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्यों नहीं ले पाया, इसलिए मुझे बाय करने की ज़रूरत पड़ी। तो इसने मुझे नो पेन नो गेन की बुक भी गिफ्ट दे दिया, वैसे किसी काम के नहीं फिर भी हम रख लेते हैं, 1-2 मिलियन में ऑप्शन में भेज देंगे। तो चलिए अब हम जल्दी से अप्लाई करते हैं वन फॉर ऑल को। इसमें बहुत सारी टेयर 6 इंच चांस भी हैं, लेकिन कोई बात नहीं, वन फॉर ऑल से हमारा डैमेज बढ़ जाएगा। तो अप्लाई कर लेते हैं जल्दी से। तो क्या हम थोड़ी देर बाद इसका डैमेज चेक करेंगे। सबसे पहले हम इसमें हार्ट रून 2 लगी हुई है और मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा भी पड़ी हुई है, तो हम जल्दी से इसको हार्ट रून 3 बना लेते हैं। मैं अभी ढूंढ लेता हूँ कहाँ पे रखी हुई है। हाँ, ये रखी हुई है, हार्ट रून 1 है। अगर आपको नहीं पता तो हम रून्स को कंबाइन भी कर सकते हैं और इनसे बड़ी रून बना सकते हैं, ज़्यादा लेवल वाली बना सकते हैं। तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ये प्रॉब्लम बार बार ना आए, हमारे यूट्यूब रैंक मिल जाएगी। तो आपको यहाँ आना है ब्लैक स्मिथ के अंदर रूम में, तो यहाँ पे है रोनिक पेडिस्टल। जैसे आपको सबसे पहले आप रूम्स को अलग अलग रख लेना है, क्योंकि इसमें थोड़ा ग्लिच हो जाता है, अलग अलग नहीं होते। अब आपको 2 रूम्स को लेना है और दोनों स्लॉट्स में रख लेना है। इसमें चांस होता है एनुअल का नहीं है कि हमेशा कंबाइन हो, इसमें 60% चांस होता है कि कंबाइन हो और 40% होता है कि ना हो, लेकिन मेरा लक इतना ख़राब है बहुत कम मिलती है। वैसे रूम में होता है लक बहुत ख़राब है। तो मैं जल्दी से इन सबको कंबाइन कर लेता हूँ और 3 टियर 3 रूम होने के बाद आपसे मिलता हूँ। तो क्या हमें टियर 3 हार्ट रून मिल चुकी है। अब मेरे पास 2 और टियर 2 हैं, इनसे भी देख लेते हैं कि मिलती है या नहीं। वैसे मेरा लक ख़राब है, मुझे पता है नहीं मिलेगी, फिर भी ट्राई कर लेते हैं। तो नहीं मिली टियर 2, अब 1, 2, 3 हो गई है। तब हम अपनी शॉर्ट पे अप्लाई कर लेते हैं। इसमें 2 पहले से, लेकिन रूम्स में ये प्रॉब्लम है कि अगर आपके पास 1 2 हो और दूसरी 2 हो तो उसे 3 नहीं बनती। आप देख सकते हैं दोबारा 2 ही आ रही है, आपको 1 2 है तो आपको दूसरी 3 चाहिए, जो आपको वही अप्लाई करनी पड़ती है। तो अब हम जल्दी इसको अप्लाई कर लेते हैं। अप्लाई करने में तो 100% ही है, इसमें फेल नहीं होता, इसमें हो ही जाता है। और ये एक अच्छा तरीका भी है रूनिंग एक्स बढ़ाने का, अगर आपके पास बहुत सारे रून पड़े हैं तो आप इसे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले हम इसको मैक्स कर लेते हैं अभी, क्योंकि हम खर्चा खा ही रहे हैं, तो साथ में हम इसको रिकॉम भी कर लेते हैं। गाइस रिकॉम के प्राइस देखकर मैं तो पागल ही हो गया था। रिकॉम कभी 6 मिलियन की बात करते थे और अभी आप देख सकते हैं 10 मिलियन तक पहुंच गया। और ये अभी तो 2-3 वो थोड़ी पुरानी क्लिप है, अभी लेटेस्ट प्राइस तो 13 मिलियन तक पहुंच गया है, पता नहीं क्या हो रहा है प्राइसेस को। तो चलिए अब हम चलते हैं ब्लैक स्मिथ के पास अप्लाई करने के लिए इसको। तो गाइस हमारे पास आ चुकी है मिथिक एटम स्प्लिट कटाना, वो भी वन फॉर ऑल के साथ। ये मैक्सिमम है जहाँ तक मैं जा सकता हूँ, और उसके अलावा मेरा एचपी आमर तो मैक्स ही है बस, उसमें रिनाउंड और रिकॉम नहीं है। और अभी मेरे इतने पैसे भी नहीं है, क्योंकि अभी तो रिनाउंड भी बहुत महंगा हुआ है,
बाद में मैं मैक्स करूँगा और एंडर ड्रैगन पैट यही। तो चलिए अब मैं आगे हूँ एंड में, अब हम जल्दी से डैमेज चेक करते हैं। सबसे पहले मैं अपना ग्रिफिन पैट यूज़ करूँगा क्योंकि सबसे ज़्यादा डैमेज यही देता है। तो हमारे मिडल स्वर्ल के साथ जा रहा है 187 के और इसके साथ जा रहा है 141 के, 40 के कम है। लेकिन मेन चीज़ है कि ये फिरोसिटी देती है और बॉस का तो फिरोसिटी बहुत ज़्यादा काम आती है क्योंकि एक हिट के बदले में तीन हिट लगेंगे यानी कि तीन टाइम ज़्यादा डैमेज। तो गाइस इसके आगे वाली क्लिप पता नहीं कहाँ से गायब हो गई, मुझे मिल ही नहीं रही, तो ओके मैं आपको दिखा नहीं सकता, सॉरी। तो गाइस यहीं पे ख़त्म होती है हमारी आज की ये वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ गाइस हमारे सब्सक्राइब गोल को मत भूलिएगा। तो यहीं पे ख़त्म होती है हमारी आज की वीडियो। बाय बाय।